बात क्या है आप खाल? ये क्या सुन रहे हैं हम? तुम सिद्धि को तलाक दे रहे हो? आपने सही सुना दतिया, लेकिन मेरे पास और कोई तरीका नहीं है। जब तक सिद्धि इस घर में रहेगी, रिद्धि को मेरी और उसकी शादी के बारे में पता चलने का डर बना रहेगा। मैं अपनी शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता, इसलिए मैंने ये तरीका ढूंढा है कि मुझे तलाक देते और इस घर से चली जाए बस। दुनिया में हर बात तुम्हारे अनुसार नहीं चलती विनू, बाकी लोगों की भी भावनाएं हैं, उनकी भी जिंदगी है। तुम अपनी खुशी के लिए दूसरों की भावनाओं के साथ कैसे निरादर कर सकते हो, वो भी उस लड़की की भावनाओं के साथ जो सही मायनों में तुम्हारी पत्नी है। वो लड़की ना सिर्फ तुमसे अतः प्रेम करती है, बल्कि तुम्हारी सुरक्षा कवच भी है। तुम अपनी सुरक्षा कवच को अपने से दूर करोगे तो तुम मुसीबत में पड़ सकते हो, तुम्हारा जीवन संकट में आ सकता है विनो। इसीलिए सिद्धि इस घर से कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी तुम्हारे साथ। बस अभी और शब्द नहीं। अगर तुम्हारे मन में हमारे लिए जरा सा भी मान सम्मान है तो तुम हमारा कहना मानोगे, और अगर सिद्धि इस घर से कहीं तो तुम अपनी दधिया का मरा नहीं। सुनो साहेब, तो रिद्धि बिटिया संग मंदिर गए रहे ना, तो वापस कब आ गए? आपको कुछ काम था तो सबको मंदिर में छोड़ के वापस आ गए। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। कहाँ चले गए थे हमें छोड़ के? क्या जानते हैं ना, आपको नहीं देखते तो जी नहीं पाते। लव यू विनय। आई लव यू टू। कितना बड़ा धोखा दे रही है लड़की सबको।
गिरी हुई औरत अपने पति से तलाक तो ले रही है और उधर ये मेरी बेटी के सुहाग पे अपनी गंदी नजर डाल रही है, मेरे भोले भाले दामाद को अपने शूट के जाल में फंसा रही है। मेरा शक बिल्कुल सही था। अब देख, अब तो मैं तुझे नहीं छोड़ के स्थिति की बची। आज तक तो मेरी आंखों में धूल झोंक के बचती आ रही थी ना, तू सिद्धी रब नहीं बचेगी। उस दिन का वीडियो तो किसी पे कोई असर नहीं दिखा सका, पर आज आज मैं इस घटिया औरत का सच अपनी रिद्धि बिटिया को खुद उसकी आंखों से दिखाऊंगी। हेलो रिद्धि, कहाँ है तू? तुझे घर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, जल्दी बता। हाँ मैं बस 10-15 मिनट में पहुंच जाऊंगी, पर क्या हुआ, आप इतना सब क्यों पूछ रही हैं? रिद्धि जल्दी घर वापस आ, जल्दी यहाँ आके अपनी आंखों से देख क्या तमाशा चल रहा है तेरे घर में, तेरी पीठ पीछे। ये सिद्धि जिसे तू अपनी बड़ी बहन समझती है ना, ये तेरी अपनी बन के तेरे ही सुहाग पे टाका डाल रही है। तू देख इस लड़की का काला सच अपनी आंखों से देख बेटा, जल्दी आ। कोई सच नहीं देखना मुझे, और अब फिर से इन सब बातों को लेकर के शुरू हो गई। प्लीज मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। हेलो थी ये लड़की भी तो, कोई बात नहीं 10 मिनट में तो ये आ ही रही है। आज अगर मैंने इस सिद्धि का त्रिया चरित्र रिद्धि को खुद उसकी आंखों के सामने नहीं दिखाया ना, तो मेरा नाम भी उज्ज्वला नहीं। पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन जितना हम आपसे करते उससे ज्यादा नहीं। मेरा प्यार तुम्हारे प्यार से बहुत ज्यादा है। हमारा प्यार आपके प्यार से बहुत ज्यादा है, लेकिन पता नहीं क्यों क्यों हमें एक साथ एक ही छत के नीचे रहते होंगे, इतना दूर दूर रह रहे। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं बेटा, आप बस हम यही चाहते कि हमारे इस पल के बीच कोई ना है, ये दुनिया यही रुक जाए और हम ऐसे अपनी बाहों में आके खो जाए। ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? ये दरवाजा किसने बंद कर दिया? बताए। अब मैं हम दोनों के बीच की दीवार हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगा, हमारी सारी दूरियों को बिल्कुल खत्म कर दूंगा मैं। चलो आज एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं, और कसम लेते कि सिर्फ इस जन्म में नहीं आगे आने वाले सारे जन्मों के लिए एक साथ रहेंगे।
हमेशा से मेरी थी और हमेशा मेरी रहोगी। आज मैं सबको बता दूंगा कि तुम मेरी पत्नी हो। यू आर माय वाइफ। आई लव यू। क्या रहा है ये सब? मेरे घर में मेरे पीठ पीछे मेरे पति के साथ क्या खेल खेल रही हैं आप? मेरे सुहाग को छीनने की इतनी बड़ी साजिश कैसे कर सकती हैं आप? केसर नाम था मेरी बड़ी बहन का, तो आज से हमें केसर ही समझो। आज से हम तुम्हारी बड़ी बहन केसर, तुम हमारी मिश्री। एक बात समझ नहीं आई, आपका क्या लेना देना है इस घर से? आप यहाँ क्यों रह रही हैं? क्या रिश्ता है आपका इस घर से? वही रिश्ता जो एक बहू का उसके ससुराल में होता। मतलब ये कि हम भी तुम्हारी तरह इस घर की बहू। उन्हें इस वक्त यहाँ इनके साथ होना चाहिए था। कहाँ है सिद्ध दीदी के पति? आपने कभी अपने पति के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया, नाम क्या है उनका? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। सिद्ध दीदी ऐसा नहीं कर सकती। मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। जिसे मैंने बहन माना था वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। नहीं। दरवाजा खोलो, हम यहाँ अंदर। दोनों बंद कर दिए।
रही है? ये आवाज कहाँ से आ रही है? दरवाजा खोलो, देखना जरा निशा बहू। हाँ जी, ये सिद्धि, वेनु, ये देखो, तुम सब देखो इन दोनों की असलियत। देखो इस लड़की का असली चेहरा। मैंने कहा था ना कि मैं साबित करके रहूंगी कि ये लड़की मेरी बेटी के सुहाग पे डाका डाल रही है। देख रही हैं माँ, देख रही हैं आप? अरे पहले तो इन्होंने अपनी नौकरानी को हमारे घर में भेजा, हमारे घर का भेद जानने के लिए, और अब जब ये अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुई तो यूं बहरूपियों की तरह एक नौकरानी का रूप धर के हमारे घर आ गई। हद है 400 बीसी की। मैं सिर्फ इस लड़की की सच्चाई सबके सामने लाने के लिए एक नौकरानी बन के आई थी इस घर। मेरा काम पूरा हो गया है, इसका त्रिय चरित्र सबके सामने है, देखो। इसका मतलब मैंने नशे की हालत में बहुत बड़ी गलती कर दी, सिद्धि को रिद्धि मानकर। तुम दोनों का सच सबके सामने आ चुका है। अब होश में आओ और मेरे सवालों के जवाब दो। क्या रिश्ता है तुम्हारा इस लड़की के साथ और कब से? क्या लगती है ये तुम्हारी? बोलो, जवाब दो विनायक पांडे। पति पत्नी है दोनों। Like, share, subscribe and click on the bell icon.
to never miss an update from Nazara.